दिन अगर जिससे इस पर बता रहे हैं सभी ने सत्कार मिला रहा बोल रहे हैं। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी राजेश जी इनसा गुड़गांव भजन सुना रहे हैं। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इनसा भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हम गिरे हुए पापियों से मेरे गुर ने निभाई है, हम गिरे हुए अंगारियों से मेरे गुर ने निभाई है। नजरअंदाज करके खताएं, नजरअंदाज करके खताएं, प्रेम की जो जलाई है। हम गिरे हुए कामी क्रोधियों से हजूर पिताजी ने निभाई है, हम गिरे हुए पापियों से शसत नाम जी ने निभाई है। एक भी वचन ना माना कि गलतियों पे गलतियां, एक भी वचन ना माना कि गलतियों दौड़ाया, फिर भी सतगुर दौड़ा आया, फिर भी सतगुर जान हर आफत से बचाई है। दौड़ा आया फिर भी सतगुर जान हर आफत से बचाई है। नजरअंदाज करके खताएं, नजरअंदाज करके खताएं, प्रेम की जो जलाई है। हम गिरे हुए कामी क्रोधियों से पिताजी ने निभाई है। दुखियों की झोलियां भर दी दया का महासागर सतगुरु मेरा, रोते दुखियों की झोलियां भर दी दया का महासागर सतगुरु मेरा। एहसानों की झड़ियां लगाए, एहसानों की झड़ियां लगाए, रूह हो गई गुरु की करजाई है। एहसानों की झड़ियां लगाए,
रूह हो गई कर जाई है हम गिरे हुए कितनी बार गिरे हर बार गुरू ने वो उठाया न जाने कितनी 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 न जाने कितनी बार गिरे हर बार गुरु ने उठाया कैसे भूल जाए गुरु की मेहर गुनाहगारों ने खूब अजमाई है कैसे भूल जाए गुरु की मेहर गुनाहगारों ने खूब अजमाई है नजरअंदाज करके खताएं प्रेम की जो चला की है हम गिरे हुए अंकारियों से हजूर पिताजी ने निभाई है नाम जी दया के सागर सुना था दे देख लिया शाह सतनाम जी दया के सागर सुना था दे देख लिया सबसे बड़ा इश्क गुरु का सबसे बड़ा प्रेम गुरु का पाए जो मिले खुदाई है सबसे बड़ा इश्क गुरु का पाए जो मिले खुदाई है नजरअंदाज करके खताएं नजरअंदाज करके खताए प्रेम की जो चलाई है हम गिरे हुए कामी क्रोधियों से पापियों से अहंकारियों से मेरे गुरु ने निभाई है हजूर पिताजी ने निभाई है धनन सतगुरु तेरा ही आसरा पूजा हजूर पिताजी द्वारा जो ये अनमोल प्रेम निशानियां दी जा रही थी जी ये किसी से भी किसी किस्म का कोई पैसा दान चढ़ावा या चंदा आदि इकट्ठा करके नहीं दी जाती बल्कि ये तो आश्रम के सत ब्रह्मचारी सेवादारों की नेक वे मेहनत की कमाई में से दी जाती है जी और ये कोई दिखावा भी नहीं है जी और ये सेवादार भाई बहन सतगुरु जी की प्रेरणा अनुसार सात संगत को पानी पिलाना लंगर बनाना लंगर खिलाना छायावान लगाना खेतीवाड़ी आदि कार्यों में सहयोग करना और इसके अतिरिक्त अपने अपने ब्लॉकों में गरीब जरूरतमंदों की हर संभव मदद करना इत्यादि मानवता भलाई के कार्य करते हैं जैसे जैसे जिसकी सेवा होती है ये दातें उसी हिसाब से सेवादारों को दी जाती हैं जी धनन सतगुरु तेरा ही आसरा मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागु जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी धनन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा हरीक नू ज्ञान बख्शदाए क्योंकि तू जग दा दाताए पर प्रीत निम्रता सेवा दे गल घेणी पाने किसे किसे
हर एक नु ज्ञान बख्शदा है क्योंकि तू जग दा दाता है। पर प्रीत निम्रता सेवा दे कल घेड़े पाने किसे किसे कल घेड़े पाने किसे किसे गुण रूप बटा परगट हुवखाने किसे किसे हर एक नु ज्ञान बख्शदाए क्योंकि तू जग दा दाताए। कर प्रीत निम्रता सेवा दे गल कहने पाने किसे 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 दुर्लभ हीरा दुनिया बिच सस्ते पालटाई जाना है। पर असली मुल ते गहने सिफता पर असली मुल ते गुण सिफता फिर देच वसाने किसे किसे फिर देच वसाने किसे 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 हर एक नो ज्ञान बख्शदा
प्रीत निमरता सेवा दे गल गहने पाने किसे किसे के हाले भी तक जिसम को लेखे खांदे ने ला ऐनक प्रीत परोसे दी तक ठीक बनाने किसे किसे हर प्रीत निमरता पर प्रीत निमरता सेवा दे कल गहने पाने किसे किसे हक ठीक बनाने किसे किसे धन धन सतगुरु तेरा ही आस मालिक सतगुर परमपिता परमात्मा जिस पर दया में रहमत करता है और वो संभालने वाला उस रहमो करम को संभाल लेता है तो उसके मुकाबले में दुनिया में कोई भी सुखी इंसान नहीं रहता। मालिक अपनी दया में रहमत बरसाता है पर आदमी का मन बड़ा जालिम है, उकता जाता है हर चीज से, खास करके मालिक के प्यार मोहब्बत खुशियों से मन गुमराह कर देता है। ऐसा समय था जब लोग सैकड़ों साल भक्ति करते इबादत करते तब जाके कहीं दर्श दीदार होते, और ये घोर कलयुग है, इतने साल इबादत भक्ति करने की जरूरत नहीं, दृढ़ विश्वास हो थोड़ा सुमरण करे सेवा करे तो सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम दर्श दीदार से नवाज देता है। पर शायद जैसे दुनिया में सामान होता है ना, जो महंगे मोल मिलता है लोग उसकी कदर करते हैं, बहुत महंगा है ये तो बहुत चलेगा, बहुत पैसा लगा है ये बढ़िया रहेगा, उसी तरह जब मालिक की दया में रहमत किसी को सस्ते में मिल जाती है बिना कोई अग्नि परीक्षा के बिना कोई दुख तकलीफ के तो उसे वो दया में रहमत सस्ती लगने लगती है कि ये तो कुछ भी नहीं, बात ही कुछ नहीं, तो फिर उसका मन उसे हवा देने लगता है, तरह तरह के विचार देता है, तरह तरह के ख्याल देता है, गुमराह करता है परेशान करता है, और फिर काल अपना दांव चलाता है मनमते लोगों के द्वारा उसकी भक्ति भंग करना चाहता है। लोग कोई ना कोई पास आके बैठता है, निंदा करता है, चुगली करता है, बुरा बोलता है, तो इंसान पहले तो नहीं सुनता, मैं नहीं सुनूंगा अपने सतगुरु मौला की अल्लाह वाहिगुरु राम की बात मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन कब तक, आखिर लगातार उनका संग उनकी सोहबत उसे गुमराह कर देती है। हाँ सुनने में क्या है, मानेंगे नहीं, देखिए दूसरी बात क्या है, पूरा इंटरेस्ट लेके वो बात सुनने लगता है और सुनते सुनते कब खुद गुमराह हो जाता है, कब मन के हाथों मजबूर हो जाता है और ऐसी ऐसी बातें करने लगता है जो अल्लाह मालिक के लिए सही नहीं होती, तो फिर खुशियां चली जाती हैं। अभी पीछे कोई रूबरू में सुना रहा था शायद सुबह के समय में कि मैंने दर्शन करने शुरू किए, और दर्शन भी ऐसे दर्शन, बहुत दर्शन होने लगे और नाम यूं चलने लगा पूछिए मत, सुबह शाम हर जगह दर्शन हो रहे हैं और सुमरण ऑटोमेटिकली चल रहा है। मैं किसी से बातें कर रही हूं, शायद लड़की ने किसी ने औरत ने, कि मैं बातें कर रही हूं तो सुमरण चल रहा है,
कहीं भी सोई हूं तो, जागती हूं तो, चलते काम धंधा करते, सारे काम भी बढ़िया हो रहे हैं, थकावट भी नहीं हो रही है और सुमन भी चल रहा है, दर्शन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अचानक मन ने करवट बदली, क्योंकि दसवां द्वार आपको कहा जब तक खुलता नहीं मन रुकता नहीं, मन ने करवट बदली और ये ख्याल आया कि ये तो बड़ा गलत हो गया कि मैंने ये नाम लिया ही क्यों, ये तो बंद ही नहीं होता, मेरे अंदर चलता ही रहता है, कोई भी काम करूं किधर भी जाऊं ये तो चलता ही रहता है वो दिन, और कहते पिताजी आज का दिन मेरा सुमरण ना तो चला ना बन रहा है और ना दर्शन हो रहे हैं। कई बार आदमी को दिल उगता जाता है, मन बैठे बैठे खब ख्याल दे देता है, कहां तो आदमी तड़पता है कि मुझे दर्शन हो जाए और कहां देखो मन कितना शैतान है, ये कहने को मजबूर हो जाता है कि जी बस बहुत हो गया, अब मैं तो थक गया हूं, उगता गया हूं, फॉर ए चेंज मैं कुछ करूं, मन कहता है बदल ले, ये तो बात नहीं बन रही। कुछ ना कुछ ऐसा जब होता है तो मन हावी हो जाता है, तरह तरह के विचार देने शुरू करता है, यहां तक कि वो अपने अल्लाह वाहिगुरु राम को गलत साबित कर देता है, अपनी कमियों पे नजर नहीं देता, नजर अंदाज करता रहता है, उसे अपने में कमियां लगती ही नहीं, लगता है कि नहीं मैं तो दूध का धुला हूं, कोई आता है मनमता इंसान, कोई बात करता है उसके साथ हो जाता है। मन बड़े जालिम ताकत है, सत्संग में बैठा है, सत्संग में शक्ति होती है, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब जहरा तौर पे अंदर बाहर सबके हैं, लेकिन फिर भी दया में रहमत उसकी जबरदस्त सत्संग में बरसती है, तो इंसान का मन सत्संग सुनने लगता है कि चलो भाई अब तो सुनना ही पड़ेगा, मजबूरी है, हालांकि अंदर कई तरह के ख्याल देता रहता है, लेकिन फिर भी ज्यों त्यों सुनता है तो मन दबा रहता है, और जैसे सत्संग के दायरे से बाहर जाता है फिर शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना गंगा गया गंगाराम, जमुना गया जमुना दास, वो वाली बात है, या कोई भी ऐसी बात, कहने का मतलब जिधर ये जाता है वहीं जाके कुछ ना कुछ गुल खिलाने शुरू कर देता है। मन बड़ी जालिम ताकत है, बड़ा ही बेरहम है, बेरहमी से, और वो इंग्लिश का एक वर्ड है साइलेंट किलर, चुपचाप खत्म करता है आदमी को, पता तब चलता है जब सारी खुशियां हाथ से चली जाती हैं। तो मन से अगर लड़ोगे तो ही तमाम खुशियों के हकदार बने रहोगे। एक खुशियां मिल जाना, पारा ऊपर चढ़ गया, फिर कब नीचे गिर जाए कुछ पता नहीं, खुशियां मिल गई और ज्यादा मिली, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ज्यादा मिल गई, बहुत खुशियां मिली, बेहद फूला नहीं समारा, और फिर धीरे अगर खुशी कम हुई या मालिक का कोई ऐसा खेल, तो बस एक पल में मन हावी हो जाता है। तो भाई मन की ना सुना करो, अपने पीर फकीर की सुनो, अंदर की आवाज को सुनो, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे और एक दिन खुशियां तमाम आपकी झोलियों में जरूर आ पड़ेंगी। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से बात करना चाहते हैं और लंदन इंग्लैंड से बात करना चाहते हैं, बोलो सिडनी वालों। सीमा बोलो बेटा, आप स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, सीमा इंसान बोलो बेटा। जी बेटा, आप जी कैसे हो? बेपरवाह जी की रहमत बेटा, आप लोग कैसे हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक है पिताजी, वैसे तो। पर पिताजी ये बताओ, आप हमारे लिए कितना टाइम लेके आए? उस दिन बोल रहे थे बेटा आपका ही है टाइम, तो है बेटा हमारे लिए कितना टाइम लेके आए हो? वैसे तो सारी जिंदगी आप लोगों के लिए लेके आए हैं बेटा, सारे संसार के लिए लेके आए हैं, हम अपने लिए कुछ भी लेके नहीं आए। आप बात कर ले पिताजी, बस आप जी से थोड़ी बात करनी है पिताजी, और एक दो क्वेश्चन पूछना है पिताजी, बस आप जी के चरणों में अर्दास पिताजी आज याद शुरू करें। जी बेटा, पिताजी सारा दिन है ना मन ही मन में जैसे आप जी से बात करते रहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमारी सारी बातें सुने जा रहे हो। बड़े तंग करते हैं पिताजी, हम आपको सारा दिन बोलते हैं कि ये काम हो गया वो नहीं हुआ, और पिताजी उसी टाइम से सारे काम हो जाते हैं, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आप ना बिल्कुल पास नहीं हो पिताजी, और जैसे सारी बातें सुन रहे हो और उसी टाइम से सारी बातें कर रहे हो, सारे काम हमारे कर रहे हो पिताजी, ऐसा फील होता है हमें। ये लगता नहीं है, ये वास्तविकता है, वो मालिक सबके पास होता ही है बेटा, वो किस रूप में है ये उसकी मर्जी है, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं बेटा, लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम तो वो लगता नहीं, वास्तव में है, और आपको लगता है ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी भगवान की कृपा है बेटा। पिताजी
कि भाई वो होता आप हमारे गुरु मालिक मम्मी पापा हमारे गुरु जी सब कुछ होते भाई आप हमारे ही सब कुछ हो बस जी बेटा। और कितने जैसे जॉब करते हैं हम है ना तो हमारा बॉस हमारी बहुत रिस्पेक्ट करता है वहाँ पे सब ना तो बोलेंगे तो बहुत ईमानदार लड़की है सारे तो कितने बस आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि ऐसे ईमानदारी से मेहनत से आपसे आशीर्वाद लेके हर काम के लिए आगे बढ़ते चले कितने जी बेटा पूरा मेहनत करना बेटा और ईमानदार बन के रहना सिमर करना भगवान खुशियां दे बेटा जी पिताई। और पिताई जैसे मैं जॉब पे काम करती हूँ तो और भी वर्कर्स जब आते तो एक लड़का ना अपने जम्मू से है पिताई तो पहले मैं उसके साथ ना इतनी मेरी बनती नहीं थी तो बाद में जैसे मैं उसके साथ बात करती हूँ आप जी के बारे में तो वो पहले थोड़ी इग्नोर करता था तो एक आधी बार मैंने उसको जैसे प्रसाद वगैरह दिया तो नारा वगैरह लगा के उससे बात करती हूँ और जैसे आप जी ने पिताई वो मुहिम चलाई वैसे होती छोट के आने वाली बहनों के लिए अपनी अपनी बेटी बना के उनकी शादी की तो मैंने उनको ये बातें बताई ना पिताई वो हैरान रह गए बिल्कुल और कहते तुम्हारे गुरु जी तो वैसे में ही बहुत बड़े गुरु जी हैं और पिताई वो चाहता है कि मैं भी आप जी से बात करूँ जी बेटा कभी करवा दे बेटा। वैसे मैं उनको सुन लिया तब पिताई अब बहुत इंटरेस्ट लेके ना सारी बातें पिताई सुन लेता है बहुत अच्छे से आप कितनी बयानी रोगी है पिताई और पिताई वैसे इंडिया में भी जिस भी लड़की के साथ में इंडिया में भी रह के आई है ना पिताई उसी को मैंने नाम सिमरन दिलवाया पिताई आप जी से जी बेटा बहुत अच्छी बात। और पिताई एक बात पूछनी थी जैसे पिताई एक दिन ना मेरे को सपना आया जैसे शास्त्र नाम जी महाराज ने सपने में दर्शन दिए हमारे घर में आए और पिताई आप जी भी साथ में और जैसे पिताई आ गए परम पिताई और सीढ़ियों में ही बैठ गए और आप उनके पास खड़े और जैसे हमारे सारे परिवार को ना बुला लिया घर में ही और पिताई बहुत आशीर्वाद दिया बहुत खुशियां बच्ची पिताई पर कई बार ना सपने याद नहीं रहते पिताई सिमरन किया करो बेटा सुबह शाम तो सपने भी याद रहेंगे और सुमरन में भी मन लगेगा। और पिताई ऐसे नहीं कब आओगे घर से क्या बेटा पिताई जब जैसे हमें सपना आया पिताई घर पे आए और पिताई कब आना है पिताई घर में कब चरण डालोगे पिताई साथ में आप कह रहे हो घर आए साथ में कहते हो कब आओगे और जैसे ही थोड़ा सिमरन कम कर देती हूँ पता नहीं क्या होता है सिमरन में बैठी रहती थी बातें करती रहती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे सिमरन कम और आपसे बातें ज्यादा कर रही हूँ तो पिताई शक्ति दो सिमरन के टाइम पे सिमरन बना के रखे पिताई बहुत आशीर्वाद दो पिताई जी बेटा आशीर्वाद बातें आगे पीछे कर लिया करो सिमरन के टाइम सिमरन कर लिया करो बेटा दोनों फिर बढ़िया बना रहेगा तालमेल पूरा एक घंटे का रास्ता है मेरा जॉब पे जाती हूँ तो मैं बातें ही करती रहती हूँ पिताई 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 आप मेरे साथ हो हम घूम रहे हैं ये है वो सारे दिन ऐसे लग रहती हूँ पर पिताई सिमरन में भी फिर मेरा ध्यान नहीं लगता। ये तो अच्छा है बेटा आप ऐसे लगे रहते हैं ये भी एक तरह की याद है बेप्रवा जी की वो हाँ, खुशी तो देंगे ही देंगे कमी नहीं छोड़ते बेटा बहुत अच्छी बात है और तरफ ध्यान नहीं जाता मालिक की तरफ ध्यान लगा रहता है ये भी अपने आप में एक भक्ति और दृढ़ विश्वास। थैंक यू पिताई। और पिताई एक क्वेश्चन है पिताई और बहुत ही प्रॉब्लम है पिताई थोड़ी सी जी पिताई जैसे ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रूल्स थोड़े चेंज हो गया और जिस कोर्ट में आए थे ना उसमें भी बोल रहे हैं पता नहीं पीआर का कोई पक्का है कि नहीं तो पिताई कुछ बोल रहे हैं कोर्स चेंज कर ले कोई बोल रहे हैं उसी में स्टडी कर ले तो पिताई बता दो कोर्स चेंज करके दोबारा से स्टडी शुरू करें या फिर उसी कोर्स को कंटिन्यू रखें पिताई बेटा जिसमें स्कोप ज्यादा है वो करो और रुचि भी आपकी हो पूरा आशीर्वाद है मालिक से दुआ करेंगे आप सफलता हासिल करें। पिताई कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जैसे ना यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में पहले भी काफी कॉलेजेस बंद हो गए थे तो हमारा भी उन्हीं में से था पिताई वो कॉलेज बंद हो गया था तो अब एडमिशन लेना है तो जिस कॉलेज में एडमिशन हमें मिल रहा है ना वो कॉलेज इतना कॉस्टली है पिताई बहुत ज्यादा मनी के लिए वो बोल रहे हैं पर हाँ कहीं और कॉलेज भी हमने देखा है वो ठीक है पिताई अगर आप जैसे बोलो पिताई आशीर्वाद दे दो जिस कॉलेज में एडमिशन ले जी बेटा आशीर्वाद सिमर करके कोशिश करना मालिक जरूर दिया करेंगे। थैंक यू पिताई। और पिताई जैसे ना हम पिताई जैसे अब आप सासंगत नाचती होती है पिताई आप माथे के हाथ लगा के सासंगत को निहारते हो मुस्कुराते पिताई तो बहुत ज्यादा सुंदर लगते हो पिताई जी जी बेटा हमें हमारी बेटियां अच्छी लगती हैं बेटा और बेटियों को पापा बस बढ़िया है औरों से क्या लेना है ज्यादा इधर उधर देखो तो पड़ जाता है ऐसे देखना जब सासंगत नाचती है आप उसको देखते हो पिताई हम भी कैंप पे होते हैं आप हमें कई बार देखते हैं पिताई
कि हम भी नाच रहे होते हैं जब आप शोध लगाते हो, कैम पे भी देखा करो कि कहीं हम नाच रहे होते हैं, आशीर्वाद दिया करो। जी बेटा, आप नाच रहे होते हो, हम देख रहे होते हैं, तब कई बार होता है थोड़ा ख्याल इधर उधर हो जाता है, फिक्र ना करें, ख्याल में होता है बेटा, क्योंकि ये स्क्रीन इस साइड में हमारे लेफ्ट साइड में होती है, तो हम देखा करते हैं, आप देखेंगे तो हमारे ये हाथ जो है इस साइड में स्क्रीन होती है हमेशा। ओके, अगर आप जी की थोड़ी सी इजाजत हो तो छोटा शेर सुना दे। सुना दे बेटा। मंदिर की नमाज या मस्जिद की नमाज या मंदिर की दुआ हो तुम, हो खुदा का तोहफा या खुद खुदा हो तुम, ऐ मेरे प्यारे पापा जी खुद ही करो फैसला, दिल में रहते हो तुम या दिल की जगह हो तुम। जी बहुत अच्छा बेटा। सोच कई बार ना ऐसे जाते चलते फिरते सोचते रहते हैं, हमने ना ऐसे कई बार बना लेते हैं अपने आप पर, जो अपने आप बनाया था वो नहीं सुनाया, वैसे ही सुना दिया, और कितनी और भी जैसे कृष्ण वगैरह कितनी इजाजत देना जल्दी से फिर बात करें। जी बेटा। अब बस कितनी सेवा सुमरिन परमात्मा का आशीर्वाद दो ताकि योजना पे चलते हुए अपने देश का और यहाँ का नाम रोशन करे कितनी, और हर जगह अपने सतगुरु मालिक के नाम की धूम मचा दे कितनी, बस यही उद्देश्य है, कितनी आशीर्वाद दो बस। जी बेटा शाबाश, बहुत अच्छा एम है आपका, उद्देश्य है, और मालिक से दुआ करते हैं आप नेकी भलाई में आगे बढ़े, आशीर्वाद। थैंक यू पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता, नगरिंदा बहन से बात कर लो पिता जी। पिता धनवंत सदगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा। पिता जी आप कैसे हो? मैं प्रभु जी की रहमत है बेटा। पिता जी थोड़ा सा लेते वो पिता ही, हैप्पी वैलेंटाइन डे। जी बेटा आपको आशीर्वाद। थैंक यू पिता, थैंक यू पिताजी, आप हमारी हर छोटी से छोटी जरूरत का और जरूरत ही नहीं पिताजी, हर छोटी से छोटी विश का भी ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद भी हम पिताजी बुराइयां करते हैं, पिताजी गलतियां करते हैं, पिताजी सॉरी। बस बचनों पे गलती ना करें बेटा, सुमरण करते रहिए, मालिक रहमत करेंगे। बस पिताजी प्लीज ये करना, लड़के मन से पिताजी सिलन कर सको पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद। क्या बेटा? दिसंबर को क्रिसमस पर आप बहुत स्वीट लग रहे थे, बहुत ज्यादा स्वीट लग रहे थे। बस आप लोग खुश हो चाहिए बेटा, आप बच्चे खुश हो जाते हो, इसीलिए बेबुरवाजी कुछ करवाते रहते हमसे। थैंक यू पिता, पिता उस दिन जब आप क्रिश्चियन भानों को गिफ्ट दे रहे थे ना पिता, मैं गई थी पिता, आप कितने स्वीट है पिता, इतने सारे गिफ्ट दे रहे हो उन लोगों को पिता, पर आप मुझे भूल गए पिता, मुझे भी चॉकलेट चाहिए पिता, मैं ऐसे ही कह रही थी, तो बाद में ना बैठे बैठे ध्यान आया कि मन में ख्याल आया कि जो भी चॉकलेट मिलती है वो पिता ही तो दिलाते हैं, तो फिर मन में ख्याल आया नहीं वैसे वाली नहीं चाहिए, कि चलो ठीक है पिता ही दिला दे, उसकी पेमेंट ना करनी पड़े। चलो पिता ही, मैंने चॉकलेट खाती थी एवरीडे, एक दो बाइट ले लेती थी पिता, वो बहुत बड़ा ब्लॉक था, तो पिता अराउंड 80% मैं खा चुकी थी पिता, 15-20% आता था, तो पिता वो मैंने उठाया अगले दिन तो वो खराब हो गया, तो पिता मैं मार्केट जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो ले जाती हूँ, तो उन्होंने चेंज कर दिया, तो मैं ले गई और उन्होंने पिता ले ही चॉकलेट दे दी, ऑलमोस्ट चॉकलेट तो खा चुकी थी, पर उन्होंने फिर भी पूरी चॉकलेट दे दी पिता, पिता पर मुझे मन में लगता रहा कि ना मैंने खराब चॉकलेट खा ली, खराब चॉकलेट खा ली, फिर पिताई ध्यान आया कि मैंने पिताई से चॉकलेट मांगी थी और पिताई ने क्रिसमस का गिफ्ट दे दिया मुझे, थैंक यू पिताई। बस बेटा आपने मांगा, जो मांगा ठाकुर अपने से सोई सोई देव है, वो भगवान सतगुरु मालिक देने वाले हैं बेटा, इच्छा पूरी करते हैं, आप सुमन करते रहिए। थैंक यू पिताई, पिताई उन्होंने ना साथ में एक $1 भी वापस दिया पिताई, उस डॉलर को संभाल के रखो खर्च कर दो पिताई, क्या करूँ उसका? जैसे आपकी भावना है बेटा, फिक्र ना कीजिए। थैंक यू पिताई, पिताई 23rd को ना ब्लड डोनेशन कैंप था, उसके लिए आप जी से अर्ज की थी पिताई, 11 जनवरी को जब बात हुई थी तो आप जी ने कहा था बेटा टेंशन ही नहीं, तो पिताई जब 23rd को ब्लड देने के लिए गए ना, तो पिताई जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए तो पिताई उसने हिस्ट्री पढ़ी ना, तो वो बहुत अपसेट थी, उसे लग रहा था कि मैं कम्प्लीटली टाइम वेस्ट करूँ उसका चेकअप करके,
तो कितनी वाला कट करती गई और बस मैं आप किसी का तंग करती रही, कितनी नारा लगाती रही या ऐसी करती रही, कितनी बस संभाल लेना संभाल लेना। तो कितनी वो बस चेकअप करती गई एवरीथिंग के बाद में पूछती गई थी ठीक है सब कुछ, बस कितनी लास्ट में ना होमोग्लोबिन रह गया था जो कि मेरा अप्रैल में 119 था, उसके बाद 113 हो गया और अक्टूबर में 107 ही रह गया जो कि 120 होना चाहिए। तो कितनी वो चेक कर रही थी, तो कितनी मैंने फाइव साइड से देख रही थी कि ठीक आ रहा है कि नहीं, कितनी मुझे लगा कि 107 आया है, तो मैंने ना कहा पिताजी प्लीज अब संभालो ना बस इसको 150 कर दो। इतने में कितनी उस डॉक्टर ने बोला बड़े सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ कि 150 हो गया है, पिताजी वो बहुत अच्छे थे, वो बहुत खुश हो गए, पिताजी थैंक यू सो मच पिताजी, बड़ी इजिली हो गया मेरा ब्लड, थैंक यू सो मच पिताजी। इतना ही नहीं पिताजी वहाँ पे जितने भी संगत थी बहनों में एक का ही था मुझसे ज्यादा, यूजली किसी का नहीं होता, जो कि कितनी अराउंड इंडियन में इंडियन ब्लड उसके अकॉर्डिंग देखे तो कितनी अराउंड 15 ग्राम खून हो गया पिताजी, थैंक यू सो मच। जी बेटा मालिक की रहमत हुई है बेटा, और आपकी भावना अच्छाई के लिए नेकी के लिए थी इसलिए मालिक ने जल्दी मदद करते हैं। सुमन करते रहना, बचनों पे रहना बेटा, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी, आप जी की इजाजत है तो कितनी छोटा सा शब्द सुना दे। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मत हीन लो अक्षो ज्ञान पिता, करा की फुट पिना दे अपील तेरी, किन दिल मेरे बिच वस जावे, आसोनी गई तस्वीर तेरी, बन कुकर तेरे दरगाह में बन जावा, तेरा दरगाह में बन कुकर तेरे दरगाह में बन जावा, तेरा दरगाह में तू जिधर मोरे मुड़ जावा, तेरे हाथ होए जंजीर मेरी, मत ही मैनु बाखो ज्ञान पिता, करम की कुट पिया मेरा पीर तेरी, सोना लगदा है दरबार तेरा, शकत नाम जिहा मैं तिहादार तेरा, सोना लगदा है दरबार तेरा, शकत नाम जिहा मैं तिहादार तेरा, पुत्र पिरा दया पीर तेरी, दिन दिन मेरे बिच बस जावे, जी बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आशीर्वाद। धन्यवाद सतगुरु तेरा यात्रा। पिताजी सॉरी पिताजी, जब भी आप जी से बात करते हैं पिताजी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं पिताजी, सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मालिक खुशी देंगे, आप फिक्र ना करें बेटा। थैंक यू बेटे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी बेटा आशीर्वाद। हाँ लंदन से रश्मि बात करें बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा पिताजी। जी बेटा। पिताजी मैं ऋषम, मेरे हस्बैंड दीपक गाबा इंसा लंदन से। जी बेटा ऋषम, आप कैसे हो पिताजी? हाँ जी हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। हाँ जी थैंक यू, आपकी आपका आशीर्वाद है पिताजी। मुझे आपसे बस यही कहना था कि मेरे हस्बैंड दीपक गाबा अब लंदन आ गए हैं दिसंबर से, और वो अब जॉब की ट्राई कर रहे हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए कि अच्छी सी जॉब इनकी लग जाए और हम लोग यहाँ अच्छे से सेटल हो जाए। जी बेटा पूरा आशीर्वाद, आप पूरी मेहनत कीजिए, मालिक साथ है बेटा, सुमन करके अगर मेहनत करेंगे तो भगवान जरूर साथ देंगे। हाँ जी बस आप अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा।
जी बेटा। पिताजी और बस आप मेरे परिवार, मेरे सास ससुर, मेरे मेरे मम्मी पापा और सब पर बस अपनी कृपा और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जी बेटा, आप श्रमण करते रहिए और मेहनत कीजिए बेटा, मालिक सारी खुशियां बख्शते हैं। थैंक यू पिताजी, धन्य सतगुरु तेरा याद था। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद। और प्यारी सत्संग जियो, शादी वाले परिवार आए हैं और ये शादी वाले दोनों परिवार दिंदु के मध्य में बैंक में 7100 रुपए जमा करवा रहे हैं आशीर्वाद। लड़के का नाम नीरज इंसा, पुत्र विजय कुमार इंसा जी का निवासी मुक्तसर, जिला मुक्तसर पंजाब। लड़की का नाम गरिमा इंसा, पुत्र जनकराज जी की निवासी कालांवाले, जिला सरसा हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़के आ जाए। आशीर्वाद बेटा। और प्यारी सत्संग जी, आपने देखा शादी वाले ये दोनों परिवार दीन दुखियों मदद करना शादी वाले दिन भी नहीं भूले। सो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घर में खुशियां, मालिक से दुआ करते हैं और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। विदेश जाना है जी दीपक इंसान, सुखमिंदर सिंह, सुखप्रीत इंसान, सबको आशीर्वाद बेटा। आशीर्वाद मालिक खुशबक्शी। हाँ, आशीर्वाद पेन वगैरह आप ही जुलाएं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। सेवा सुमन करते रहना, एडम ब्लॉक के कमरा नंबर 6 में मिलके जाना, प्रसाद ले जाना वहां के लिए। आशीर्वाद बेटा। शास्त्र में गिनने से पहले फोर्स विंग के 189 भाई एक सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी करके घर जाना चाहते हैं जी। जी बेटा, आशीर्वाद। घरों के लिए प्रसाद ले जाना। सेवा की मालिक आपको दया में रहमत से नवाजे। सारे परिवार को कहना पे देना आशीर्वाद भेजा, बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रसाद ले जाना, घर जाने की आगे चाहते हैं। शास्त्र में गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग की 334 बहनों ने एक सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी की है जी। 8 ट्रेनर व 2 जिम्मेदार बहनें सभी ने दीन दुखी मद में बैंक में 17,777 रुपए जमा करवाए हैं। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप घरों में के लिए प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियां बख्शे। शाबाश बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। बिहार के एक भाई ने 22 दिन सेवा की घर जाना चाहता है। आशीर्वाद बेटा, घर के लिए प्रसाद ले जाना, जहां भी आप हैं सारे परिवार को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियां बख्शे। आशीर्वाद। सेवा समिति वाले 26 भाई हैं जी। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले जाना, सारे परिवारों को आशीर्वाद कहना, मालिक खुशियों से नवाजे जी। शाबाश बेटा। और 31-25 मेंबर हैं, वो इधर उधर देखने लगे कि हमारा नाम नहीं आया, आ जाता कई बार, लिखवाया तो सबसे पहले था, बोला आखिर में, देखा था हाजमा कितना कहे जी। तो ठीक है ठीक है, एक दूसरे को देखने से तो लगे थे कि अपना तो गया, नहीं कोई बात नहीं। आप बहुत सेवा करते हैं, बहुत समय लगाते हैं, तो भगवान आपको परिवारों को दया में रहमत से माला माल करे। सारे परिवारों को कहना भी आशीर्वाद भेजे, घरों के लिए प्रसाद लेके जाना, मालिक खुशी बख्शे बेटा। आशीर्वाद। और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई चूड़ा छोड़ गया, जिनका नाम बोला जाए, खड़े हो जाना, खड़े रहना है जब तक कहीं ना। पहले परिवार मलोड पंजाब, तो इन्होंने पिताजी नाम लिया, उम्र 58 साल, नेत्रदान भी कीते हैं जी, नेत्रदान महादान, दीन दुखी मद बैंक में 1100 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद, खड़े हो जाए। अगला परिवार मुल्तानिया पंजाब, तो इन्होंने पिताजी नाम लिया, उम्र 90 साल, दीन दुखी मद बैंक 5,215 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद, खड़े हो जाओ। अगला पर नौ जी गंगानगर, तो इन्होंने पिताजी नाम लिया, उम्र 42 साल, दीन दुखी मद बैंक 5,400 रुपए जमा करवा रहे हैं। आशीर्वाद। नौ जी श्री गंगानगर, तो पिताजी नाम लिया, उम्र 100 साल, परिवार दोनों पास खड़ा हो जाए। अगला परिवार लौंगोवाल संगरूर, तो इन्होंने पिताजी नाम लिया, उम्र 72 साल, परिवार खड़े हो जाए, खड़े रहना जी।
सो जिसने नाम लिया होता है बेटा वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड ज्यो त्यों जरूर जाती है, मालिक उसकी संभाल करते हैं। और अगर अस्थियां फुल लेके आयो तो कहीं भी आपका खुद का खेत है तो गहरा गड्ढा खोद के दबा सकते हो, या फिर बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, क्योंकि ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक ज्यो त्यों निज धाम लेके जाता है। प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मरम भी वो देता, तेरा पाना मीठा लग गया, प्रसाद ले लो जी, मालिक आपको हिम्मत दे, और इधर भी प्रसाद ले लो, मालिक ताकत दे। तो जो भी सत्संग आश्रम में सत्संग में चल के आई आप सबको यहाँ पर धारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नुकसान दिन के मोस्ट वेलकम। हम माता भैनों खड़े रहो, जो परिवार का चोला छड़े है प्रसाद इनके खड़े रहना है। अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का समय अनुसार जा सकते हो, रहने का जैसे सेवादर भाई रहना, सेवा करना, आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।